राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है मेरे हाथ का स्वाद चैनल पे। आज मैं अपने घरवाली के मायके आया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ब्रश व्रश तो लेके आते नहीं हैं, तो इस वजह से पहले दातुन कर देते हैं। तो देखिए, एक यहाँ पे सामने शहतूत का पेड़ है, इसका भी दातुन बढ़िया होता है। वैसे और भी पेड़ होते हैं, नीम का भी, जामुन का भी, उसका भी दातुन बढ़िया होता है। यहाँ आपको दिखाते हैं, ये देखिए शहतूत इसमें फला हुआ भी है, देख रहे हैं इसमें। लेकिन अब बाई चांस कभी भी ब्रश नहीं हो तो आप इस पेड़ का भी दातुन बना सकते हैं। और बराबर कहीं ना कहीं जाने पर ऐसा आदमी छूट ही जाता है जगह की, हम ब्रश लेके नहीं जाते हैं घर से। वैसे हमारा गांव का इलाका है, और ये गांव के इलाके में तो लोग अक्सर अब गांव में जो रहते हैं वो, और गांव में भी ऐसा नहीं है कि सब लोग दातुन से ही ब्रश करते हैं। अब लोग सब लोग अपना अपना ब्रश रखे हैं, और इसका ब्रश का जितना हिसाब का ब्रश होता है उसी हिसाब से हम तोड़ देते हैं। ये देखिए इतना बड़ा में ये तीन दातुन हमारा हो गया है। हम लोग तीन आदमी आए हुए हैं वहाँ से, तो आइए आपको दिखाते हैं आगे। हाँ, और इधर आइए ना, जामुन का ही बहुत बढ़िया ब्रश होता है, जामुन का ब्रश है। ये देखिए कनेल का फूल है, हम लोग कनेल का फूल बोलते हैं। इधर से दिखा फूल थोड़ा सा, ये देखिए। तो हम इसको, अगर आपके पास बहुत तरह का फूल नहीं है तो आप समझ लीजिए कि इस फूल से भी आप पूजा कर सकते हैं। हर जगह मंदिरों में फूल चढ़ता है, लेकिन इसका दातुन हम लोग नहीं करते हैं। सामने एक छोटा सा ये जामुन का पेड़ है, इसका भी ब्रश बहुत बढ़िया होता है। आगे का इसका भी आप ब्रश कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ, और देखिए इधर अच्छा, देखिए अनिता जी इसी पर कर रही हैं ब्रश, पूरा मस्त हुआ है। ये जो आगे का होता है ना पर्सन, जो ये दिखा रही हैं, ये बढ़िया बनना चाहिए। अगर ये बढ़िया बनता है तो समझ लीजिए कि आपका दांत बढ़िया हो जाएगा। इसमें कासापन होता है, जामुन में कासापन होता है जो दांत को बिल्कुल साफ कर देता है। और देखिए यहाँ पे जहाँ हम लोग आए हैं वहाँ पे एक बकरी भी पाल रखे हैं, और ये देखिए यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे बोरी उड़ाते हैं ताकि इसको ठंडा नहीं लगे। और इतना ये समझदार है कि हम लोग जिस घर में सोए थे उस घर में भी सोई है, लेकिन एक बार भी टॉयलेट नहीं किया अपने घर में, टॉयलेट पोटी कुछ नहीं किया। और इसका सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका टाइमिंग है, यहाँ पे घर वाले लोग उसको बाहर निकाल देते हैं टाइम से, और टॉयलेट हम लोग की तरह ही बाहर करती है, ये सबसे बड़ा बात है। आइए आपको आगे दिखाते हैं। कौन सा फूल है बाबू, ये कौन सा फूल है, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं यहाँ पे लोग जटावा फूल, ये भी पूजा काम में आता होगा। लेकिन देखिए एकदम अलग है फूल, पानी कहाँ चल रहा है बाबू, इस तरह का फूल आप लोग नहीं देखे होंगे। और यहीं पे छोटा सा एक अनार का ही पेड़ है, जो कि इसके ऊपर लौका का पौधा चढ़ा हुआ है, इस वजह से दबा हुआ है। अगर लौका कट जाएगा तो फिर अनार भी बहुत बड़ा फलता है। अगर मौका मिलेगा तो हम उसको भी दिखाएंगे। और देखिए ये इधर एक गाय, इसका नाम है पुतुल, इसका नाम है पुतुल, ये पुतुल। और सुनो ना नौखिसिया, सुनो ना ये पुतुल, और ये भी सारा बात सुन सुन के करती है। देखिए इतना जानवर फट गए, ऊपर के हटे फटल ना हटे, ओकरा एथी में लगावल जाला, होय फट चूहा काट देले बा, हां होय रे फटल बाटे, ओ तो ओकरा एथी में लगावल जाला। ए पुतुल पुतुल हो, काहे नहीं खाता अभी, टोकस खाएगी टेस्ट टोकस, ये रुक ज्यादा से, ये देख लीजिए हम लोग ज्यादा आदमी आ गए हैं तो इस वजह से खा नहीं रही है, तो हम लोग यहां शर्माती भी है, शर्माती है। हां तो हम लोग कहो तब पुतुल को खाए के, टोस खाएगी है, टोस खाएगी, बिस्कुट देता छोड़ा खा के, टोस खाएगी का स्वेटर देखो। अरे देखिए पुतुल का स्वेटर फट गया, चूहा काट दिया है, दादी बता नानी बता रही थी, ये देखिए टोस ये खाएगी, टोस दूर, ये देखिए फट गया, दूर धर कर दिया ज्यादा, टोस दूर रिया। तो ये मवेशी को ऐसे हम लोग एक बोरी टाट की बोरी को बीच से फाड़ देते हैं और फाड़ के इसको उड़ाते हैं ताकि इसको सर्दी नहीं लगे। किया गया है,
और आगे से गर्दन के नीचे देखिए बांधा हुआ है ताकि ये गर्दन से नीचे ना चला जाए। और यहीं पे देखिए केला का मिला नहीं तो पुतुल का ना मजा आ जाएगा। मिला जल्दी बाबू तू डाल छोटा थोड़ा थोड़ा मिला बाबू मिला। अरे पुतुल को बेवकूफ बनाएगा, बहुत होशियार है। देखो पुतुल का कमाल देखो, अपना टैलेंट दिखाओ पुतुल। तुम सुंदर नहीं लग रही हो, दिखाओ बेबी, साफ कर दो मुंह। ओ बेबी मुंह दिखाओ, साफ कर दो। अभी ये बच्चा देने वाली है पुतुल, कहिए दी भाभी। अच्छा हाँ, अभी बच्चा देखिए। इसका नानी दी है बच्चा, इसका नानी भी बच्चा दी है बता रही है। इसका मम्मी भी है ना, तारा नहीं चल रही। तो देखिए दोस्तों, मेरी भाभी के मायके से आई है, तो ससुराल आई है ये, तो बहुत ही संस्कारी बहू है ये। रोटी पानी टाइम से खाती है और फूलती भी बड़ा है, रुसती है। अगर इसको टाइम से नहीं दिया जाए तो गुस्सा भी बहुत हो जाती है। शहरों में इंसानों के लिए एक रूम नहीं होता है, यहाँ पे पुतुल के लिए दो रूम है, एक उफला स्टोर रूम, एक इनके रहने के लिए रूम। दिखा देना थोड़ा। हाँ लाला जी दिखा देंगे। हाँ लाला जी, अरे देखिए कितना बड़ा केला फला हुआ है। तो पक जाता है तो खाने में बड़ा मजा आता है। और ये देसी केला तो अगर इस पेड़ में भी पका, हम एक बार खाए थे, बहुत मजा आता है। वो तो कार्बाइट वाला नहीं होता है। अगर अगर इसको बिका गए भाई, तो 400 रुपए बहुत कम रेट नहीं है। नहीं कम रेट नहीं, वो तो बहुत महंगा बेचेगा, इस वजह से दे दिया है। मार्केट अप डाउन होगा तो उसको घाटा भी लग जाएगा। तो देखिए देखिए केला का ही पेड़, और ये देखिए सीताफल का फूल है, वही सीताफल कोहड़ा जो भी आप बोलते हो। और देखिए यहाँ पे एक कोहड़ा भी फला हुआ है, अगर हो सकता है तो एक बचेगा तो बहुत बड़ा सीताफल बन जाएगा। और इसकी भी रेसिपी शायद हमारे चैनल पर अपलोड है, इसका हम लोग भुजा बनाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जगह जगह पे है, काम है। यहाँ पे तो पानी आ रहा है, देखिए सरकारी पानी टूटी जगह पड़ा है, और यही पे इसके साथ में जो जगह बचा हुआ है इसको पूरा यूजफुल बनाया गया है जगह को। और देखिए यहाँ पे दीवार भी खाली नहीं है, तो यहाँ पे देखिए उपजा लगाया गया हुआ है। ये बिल्कुल सूखने के बाद अपने आप छोड़ देता है, ये अभी लगभग सूखने वाला है। ये देखिए इस तरह से, ये भी पुतुल का है। ये भी पुतुल का ही है। ये देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये भी थोड़ा 4-5 दिन में इसको भी उखाड़ के अब इसको पसार देते हैं, और पसारने के बाद फिर जलावन का भी काम हो जाता है। देखिए गाय रखने से अगर मेहनत भी बहुत है, गिरा दे पानी। की गिरा नहीं वो भी गिरा दिला। चलो कौन इन्हें मत गिरा दो। तो अगर हम गाय को पालते हैं तो गाय में बहुत मेहनत है खिलाने में, लेकिन उसका एक एक चीज़ इतना यूजफुल है, दूध देती है वो यूजफुल है, फिर उपजा देती है, उससे हम जलावन का काम करते हैं, जो हमारा खाना बचता है वो खा लेती है, खाना जो हमारा बचता है रोटी वो खा भी जाती है। तो मतलब इंसान का और जानवरों का बहुत बड़ा ही कॉम्बिनेशन है, एक साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। गाय है तो हम हैं, हम हैं तो गाय है, इतना सोच के चलिए। तो आगे हम पुतुल का घर दिखा देते हैं और फिर ब्रश करते हैं। ये देखिए ये बैगन का पौधा, देखिए कहाँ से फूल है और इसका जड़, ये जड़ देखिए कहाँ तक है, यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक इसका जड़ है। ये पूरा ही कितना लंबा पौधा है, देख लीजिए, और फल भी रहा है। और ये देखिए पुतुल के रहने के लिए घर है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या रखा हुआ है, ये
ये देखिए ये राखी हम लोग इस वजह से रखते हैं, अगर बाय द वे टॉयलेट टॉयलेट कर देती है, पेशाब कर देती है, तो इसमें लोग छिड़क के इसको सुखा देते हैं। देख हाँ, अब ये देखिए जैसे कि यहाँ पे टॉयलेट हुआ है तो यहाँ पे हम इसको राखी को इस तरह से छिड़क देते हैं ताकि पानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए और ये घर सूखा का सूखा रहे। तो देखिए उधर से हमने उपला को जलाया, उपला को जलाया तो राख बना और राख का भी काम आ गया यहाँ पे, तो और पेड़ पौधे में डाल देते हैं। और ये इस मिट्टी को हम झाड़ू मार के और खादर भी बना देते हैं जो खेतों में डालते हैं। मतलब एक एक चीज उपयोगी है। गांव में ऐसा लिंक बनाया हुआ है, ऐसा लाइन बनाया हुआ है कि हम घास निकालते हैं तो गाय खाती है, गाय खाएगी तो गोबर देगी, गोबर देगी तो हम जलावन करेंगे, जलावन जला के फिर गाय के काम में लाएंगे और फिर ये खादर के काम में आते हैं। मतलब पूरा का पूरा ही समान उपयोगी है। ये देखिए हम लोग के लिए सुबह सुबह इस चूल्हे पे चाय बन रहा है, अब चाय पीते हैं, ब्रश करके चाय पी। तो अब जब तक चाय बन रहा है जब तक ब्रश कर देते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। हाँ तो पहले ही चेक करता नहीं। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। राम राम जी। मम्मी आपकी तरफ से राम राम। राम राम जी। राम राम जी।